चेक करो जी अज्जा तुस मौसम जेह्ड़ा दिक्खी सकने काले बादल बिल्कुल समझी कने के छाए वे जनाब है तको सिला सिला मैं यार एको लाया जी ते दिहाड़ी पूरी होई है हुन लाने ना दिल ही नहीं करना लगे बाग बगारा ते गुलदारा ओ बिनी यारा किसकारी यार मिलने दुख जाने हजारा मैं शुक्र करा लख बारी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना था सारे वल सो मैं हसन और तुम देखी रहे हो अपना यूट्यूब चैनल चिक सवारी टीवी ऑफिशियल। जनाब 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 सब तो पहले तो सना वेलकम हो गया माड़े एक नवे दिन और एक नवे व्लॉग ने अंदर ते बाकी जनाब सीन कुछ है कि चेक करो जी अज्जा तुम मौसम जरा देखी सकने काले बादल बिल्कुल समझी कने के छाए वे और इधर देखो नाल ही चिट्टा झड़ जड़ा नाल ही नीला समान। यकीन करो कि बड़ा प्यारा लगन लगे इस टाइम जो मंजर है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ते बाकी जनाब दुए फोन मैसेज छे आवाज छी हसी है ट्रुन 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 हो रही है। ते उस अलावा जेडे भैन भ्रा चैनल पर नवे आयो चैनल की सब्सक्राइब करी करो उस घंटी जरूर प्रेस कराया करो ताकि असं जी भी नवी वीडियो अपलोड करा उस नोटिफिकेशन सब तो पहले तुम तक पहुंची जाए। बाकी जनाब जिस एक सवारी बाजार और अज ना दिन की अजय गुजरना हो सारा कुछ नहीं दसा वीडियो नाल जुड़े रहा तो बाकी शुरू करने आज ना मज़ेदार जा व्लॉग। बाकी जनाब भी उन्हें असं मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल स्विच ऑन करने सॉरी पहले ही ऑन हो जाए तो किक शिक मारने मोटरसाइकिल की ओए ओए कुछ फिरने ओए ओए कुछ फिरने देखो जी फिट रही है वाम। तो बाकी जनाब जिन्ने सवारी बाजार फिर थाना मिलने बिल्कुल जी व्यूअर्स आई गए जनाब असने साथ साहब अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपके फिट फाट तक सुनो जी पबजी आज बंद है आज फिल्म चली रही है बड़ी गल है जी बड़ी गल है। तो बाकी आई फिल्म चली रहा मैं भी तक बड़ा परेशान हो गया मैं पबजी ही बंद है पता नहीं मौसम खराब है नेट भी चलना है कैसे बाद बारिश बारिश वाला मौसम आ जाएगा मौसम बिल्कुल जी बड़ा ठंडा हो। बाकी क्या कुछ सीन है आज साने नमान साहब रानी बर्थडे है। हाय 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 नमान साहब रानी बर्थडे है बिल्कुल जी नमान साहब एक शामी वाले करने है सिस्टम नमान साहब ने रखने है पार्टी शर्ट हाय इंशाल्लाह प्रोग्राम नेक्स्ट फिल्म में कोई शूटिंग हो रही है नेक्स्ट इंशाल्लाह शामी हो भी है प्रोग्राम की शूटिंग हो रहा है। चलो बाकी जनाब बता रहे हैं कि नमान साहब रानी बर्थडे है तो पहले सी आने जी नाम हैप्पी बर्थडे टू यू नमान साहब उस तो बाद तकने गया नमान साहब ने पार्टी देनी है क्या कुछ होना है जो भी सीन होया तुम्हें दसा तो बाकी साथ अपने गप्प शप लाने बिल्कुल जी वेवर जिसमें असा मौजूद हाँ जी चिक सवारी बाजार और स्नेहन साहब असा मौजूद हैं। स्नेहन साहब जी जी मौसम कैसा है मौसम माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है बारिश वाला मौसम बनते हैं मसे मसे थोड़ा जी बुला बांधी हुई है वो फिर रुकी की है बारिश ये गल है। अच्छा भी दसो सर्दियों के पुराने दौर च भी सद चढ़ पेना होना सी तो हुन भी सद पेना जी जी सर पेना क्या पता क्या सी ज्यादा चढ़ पेना था वो थोड़ा काट के असन एक पेपर यूट्यूबर मंसूर जाट साहब मंसूर जाट साहब दो इन्होंने डायलॉग है कि सर्दियों च भी सद चढ़ पेना होना सी पुराने दौर च तो हुन भी सद पेना ये गल है ये गल है ये गल बाकी सुनाओ उन्होंने एक डायलॉग वायरल होया गोश्त वाला हाँ बिल्कुल मुर्गी की गल अपने दे एक एक साइड पुराने दौर एक बंदा लपना होना सी ते एक बंदा छुरी ना सी कटना ये साहब इथे बादल आ पुराने दौर ही बादल जी आ जे सन ते हुन ही बादल ही आ जे ये गल है। तो बाकी जनाब चेक कर सकने तुसा हाय हाय को एकां के फिरने सैन साहब एक लगना कोई गोश्त है कुछ पुराने दौर जी कहां फिरने और से समान से ते हुन ही फिरने लगे ये गल है बिल्कुल। ते बाकी जनाब है तो कुछ रोडा ने की लाइटिंग सेटिंग हुई है लाइटिंग नहीं होनी जी और लगी लाइट ही होनी है राती ने केड़ी ला अगे जी लोग दसो अगे जी लोग दसो संगी आज चीज की लाइट लगनी है ना ये फिर बलनी है ला लाइट पेनी है बलनी है पुराने दौर से तो बलनी होनी सी पुराने दौर होनी है कौन समझे होनी कौन से होनी है हां तो बाकी साइड पे जो पीछे ना होंडा से कुछ नहीं भी आसिंग पटकार लगी जाए तो सरकारी स्टॉल असन बंदे कहंदा वो कौन होने मैंने उन्होंने कहा ड्राफ्ट मीरपुर रेफर करा सके सही है गल है बिल्कुल। बाकी जनाब बारिश भी लेने वाली है तो थोड़ी देर करके बनाने हैं स्नेहन साहब नाल उसके बाद सानू फिर मिलेंगे। स्नेहन साहब इतने ट्रैफिक जाम होने क्या वजह साढ़ा गड़ियाँ गलत लगनी समझा ट्रैफिक जाम हो जाए ये गल है कहने की चलान होना जी ना चलान क्या पाई सकते हैं
ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਰੋਡ ਹੀ ਨਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੂਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੀਆਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਖੱਲ ਲੈ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੱਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਸਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ बड़ी गल है जी बड़ी गल है क्या कहते हैं मजा ऐसी पुराने दौर की चीजा करना पुराने दौर की सर्दी ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਜੋ ਲਾਹੌਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉਸ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਸ਼ ਮਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਸਭ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਸਨੇ ਚਕਸਵਾਰੀ ਅੰਦਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ बिल्कुल जी व्यूअर चेक करी सकने जी अंदर असनी पार्टियां बैठी हैं हे साहब अस्सलाम वालेकुम असन वाले सैफ मलुक ने एक शेर सुनना है चंगा तो सुनाना तुसा हट बैठे ठंडे कितने जी शाह साहब सर्दियां है की है बस वांग पूछी रहे कि सर्दियां आईयां कौन असन दुकान पे बैठे हैं तो तुसा जनाब से आई कोनो बस मिलो भी पूरा करना होना फिर वांग पूछी ना कि सर्दियां हैं कौन मलुक साहब अस्सलाम अच्छा सब तो पहले ऐसे दसो कि सर्दियां शुरू हो गई हैं बारिश नजारा बारिश लेनी नहीं पई है पर सर्दी बारिश मठी मठी लगी हुई नहीं बार ना ना मठी मठी जे कौन मेरी दो कणियां पई है ना हल्की हल्की बूंदा पंदी है ओका लगो सर बिट की क्या ना ना क्या कर रहा है शायद स्मॉल ग्रुप बैठा नहीं और शक्ल होनी है वो पता तो लगी है ना खुदा ने मजो कैमरे परिंदा नाई के ना तो वो भी छंडरा पर देता भी ना ना ये सही महसूस होया ना जी अच्छा जो सा ना पूछने में कि पुराने दौर से तो चढ़ पे ना होना सी ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਮਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 46 ਰੇਤ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਸਾ ਰਾਤੇ ਬਿਲਾਗ ਤੱਕਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਕਪੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੀ ਬਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜ ਚੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾ ਨੇ ਸੰਗੀ ਸੀ ਦੜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾ ਮਲਕ ਰਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਪੰਨੇ ਆ ਦੇ ਸੈਫਰ ਮਲਕ ਆ ਸੈਫਰ ਮਲਕ ਅਜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਈ ਸੀ ਮਜ਼ਾ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਅੱਛਣ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਸੈਫਰ ਮਲਕ ਤੇ ਕਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਅਜੇ ਪੜਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਸੈਫਰ ਮਲਕ ਸਾ ਹੋਣੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਬਾਗ ਬਗਾਰਾ ਤੇ ਗੁਲਦਾਰ ओ बिनी यारा किसकारी यार मिलने दुख जाने हजारा मैं शुक्र करा लख बारी ते मियां सा फरमांदे ने के यारी दांग पालने ओखा ओ जिवें तंद सूतर दी कच्ची पकड़े तुझा छड़दा जावे उस
ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਐ ਪੱਕੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਗ ਬਗਾਰਾ ਤੇ ਗੁਲਦਾਰਾ ਓ ਬਿਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਯਾਰ ਮਿਲਣੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ बड़ा प्यारा लगा जी, दिली खुशी हुई है, बड़ी खूबसूरत आवाज पेश करी है सर शेख जायद साहब। टैलेंट छुपे है साढ़े चकसवारी अंदर, लोगों को पता को प्रमोट करना, और जिन्हें लोगों ने अंदर टैलेंट छुपे है उन्होंने की कड़ी तो उखले सका कर करना, अगर तुम्हें अंदर टैलेंट है तुम कुछ कर ही सकते हो। क्या हमें बख्शा साहब कैसा लगा? अच्छा लगा जी, अच्छा लगा, कॉल बात ही सुनी के साहब रहा, अच्छा लगा, आवाज बेहतरीन है भाई, थोड़ी जी मेहनत करन तक क्या मजीद जे सकना है जी, मगर लगे मैं वेट करो इंशाल्लाह तुसा की जराना इंशाल्लाह सा नाल जनाब वेला तुसा की जराना सपोर्ट भी कर सा सारा बेसिक मकसद ही है लोगों ने विलेज प्यार बनाना, ठीक है, तुसा ने विलेज प्यार सी तुसा एक अच्छे अंदाज में ऊपर बरसो इंशाल्लाह, तुसा अच्छे वेल एंड गुड तुसा के सारे शेयर सुनते बादशाह का काफी मजा आया, अच्छे अंदाज में पढ़े, यह गल है खास बिल्कुल, यह गल है खूबसूरत अंदाज में पढ़े शेयर बिल्कुल, यह गल है तो बाकी जनाब वो फिक्र ना सिंगा जनाब मजेदार जा भी लो पसंद आया सी है तुसा मिलसा नेक्स्ट डे नया व्लॉग ना तब तक अल्लाह सुनने वाला।